नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर चलते एक तरफ जहां कोरोना वैश्विक महामारी के रूप में पैर पसार रही है, इसी के चलते लोगों के सामने अपने रोजी रोटी कमाने का जरिया भी समाप्त होता जा रहा है। सरकार की हर संभव कोशिश के बाद भी आम जनमानस के लिए जिंदगी जीना दूभर होता जा रहा है। इसी क्रम में लाल कुआं क्षेत्र में किराए में जिम चला रहे लोगों का कहना है कि कोरोना वायरस के चलते लगभग 4 महीने का समय होने वाला है। इस 4 महीने में उनका जिम पूर्णता रूप से बंद है, जिस वजह से किसी भी तरह की आमदनी उन्हें प्राप्त नहीं हो रही, क्योंकि सभी जिम स्वामी किराए में भवन लेकर जिम चला रहे हैं, जिसके चलते मकान मालिक अब उनसे किराए की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम सूरज कुमार है। तो हमारे सर ये जिम की समस्या लेकर हम यहाँ पर आए हैं, जिससे ये महसूस होता है कि यहाँ पर नैनीताल रोड रेड जोन में है और यहाँ रेड जोन की समस्या 2-3 महीने से कोरोना चल रहा है। तो कोरोना के चक्कर से यहाँ पर जिम बंद है हमारे। तो इसमें ऐसा है कि जो जिम का किराया है तो छोटी मोटी रकम में नहीं है, बड़ी रकम में है, जिससे हमारे जिम मालिक बड़े परेशान हैं। अब ये गुहार रहेगी कि हमारी जिम को लगभग उचित समय पर खोल दिया जाए और कि जैसे हमारा किराया निकल जाए जिम का, उनका भी रोक किया जाए और थोड़ा सहयोग किया जाए सरकार की तरफ से। क्योंकि अगर किसी का दबाव या किसी की बंदिश है तो मतलब हम उसके ऊपर फिलहाल रेड जोन है, तो उसमें कार्रवाई करी जाएगी। हमारे जिम के जो किराया है, जिसमें हमारा जिम चल रहा है, उस किराए को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि वो किराया छोटा मोटा नहीं है, 1000-2000 रुपये वाला मामला नहीं है। ये 12-15 हज़ार रुपये पर मंथ वाला किराया है, जो हमारे ऊपर 3 महीने का किराया चढ़ गया है, हमारे ऊपर हज़ारों किराया चढ़ गया है। और चूँकि अगर हम किराया उनको पेड नहीं करेंगे तो वो हमें अपना सामान उठा के घर पे नहीं डालने देंगे कि आगे हमारा किराया बढ़ता ही चला जाएगा। इस समस्या को लेकर हमें रात रात भर नींद नहीं आती है। एक तो हमारी अर्निंग बंद हो गई, दूसरी 1000 रुपये पर मंथ हमारे ऊपर चढ़ रहा है किराया। नहीं, हमारे ऊपर दबाव तो नहीं है, लेकिन कुछ जिम जिनके चल रहा है उनके कुछ काफ़ी लोगों ने तो माफ़ कर दिया है किराया। लेकिन भारत सरकार की, उत्तराखंड सरकार की पॉलिसी है कि किराया आदि में किसी प्रकार किसी को तंग नहीं किया जाएगा, किसी को बेदखल नहीं किया जाएगा, किसी का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। कहीं ना कहीं समय दे करके, आगे पीछे करके, या कोई दो जितने तरीके होते हैं आपस में एडजस्टमेंट के, वो तरीके अपनाए जाएंगे। इसलिए कोई किसी को उत्पीड़न करके सामान ऐसा उन्होंने भी नहीं कहा कि किसी ने हमको धमकी दी है, ऐसा उन्होंने भी मुझसे कहा नहीं। जब धमकी देंगे, दोबारा आएंगे तो उस पर विचार करूँगा। अभी का विषय ये था कि साहब परेशान हैं, परेशान सब लोग हैं, मालिक भी परेशान हैं, ये भी परेशान हैं। जहाँ तक जिम खोलने की बात है, अगर रेड जोन दुर्भाग्य से नहीं हुआ होता तो अभी उस पर विचार कर लेते हैं।